हेलो गाइस, आई एम श्रेया, माय टाटा इसका टाइम। सो कैसे हो आप सब? यार गाइस, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना खुश क्यों हूँ यार गाइस, और इस खुशी की बात जो है ये वो तो पार्सल। यस गाइस, मुझे पता नहीं है इसमें मैंने क्या मंगाया है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था मैंने 2-3 पार्सल ऑर्डर की थी, तो कल का तो मुझे पता चल गया था बिकॉज वो छोटा था, आज का बड़ा लग रहा है। और ये तो इसको साथ में अपन करते, और आज आई मीन आज मैं बिना कैची के फाड़ के देखती कैसे नहीं फटता है। हाँ यार गाइस, आप लोग सोच रहे कि मैंने इसी ड्रेस में, यस पहले बता देती हूँ, इसी ड्रेस में मैंने कल ही वीडियो शूट किया था, वो मिनी ब्लॉग था। सो उसमें पहले वो पार्सल आ चुका था तो मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद लाइक शाम को आए थे ये पार्सल, तो मैं कल ही ब्लॉग बनाई थी बट आज ओपन करूँगी। आई एम सॉरी, अपलोड करूंगी। यस, कितनी खुशी जिसका मुझे बहुत ही फील रहा था। मैंने आप लोग को बताया था गाइस कि जो मेरा पेंसिल बॉक्स है, अगर नहीं देखा है ब्लॉग तो वाला ब्लॉग जाके देखो, कि जो मैंने पेंसिल बॉक्स है वो मैंने दुकान से नहीं लिया है, मैंने ऑर्डर किया ऑनलाइन से बिकॉज मुझे बहुत दिन से चाहिए था। यस आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। एक्साइटेड तो मैं थी। हाउ क्यूट यार, तो उतना ही गंदा होगा। सी गाइस, मुझे खुशी मिल रही है, मैं इसको अंदर से खोल के दिखाती हूँ। बस मुझे डर है इसका चेन ना टूट जाए, क्योंकि मुझसे कोई भी चीज़ ऐसे है नहीं कि बहुत देर तक टिक जाए मेरे हाथों में। ये खुल क्यों नहीं रहा है? ऐसे जो खुलेगा क्लास में तो खुलते रह जाएगा। यस खुला खुला। हाँ, मुझे इसका चेन सही नहीं लग रहा है, खुल गया। यस, और ये है खाली, इसमें कुछ थोड़ा ना देखा इसी। और जब मैं इस बॉक्स को ऑर्गेनाइज करूंगी तब भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं अपने पेंसिल बॉक्स में क्या क्या रखूंगी। वैसे आज तो सैटरडे है, कल संडे है, सो मंडे को जाऊंगी तो कल ये वाला ब्लॉग में डाल दूंगी। सी, यहाँ पे एक भी चेन है। हाउ क्यूट यार, किसको किसको मैं पाउच पसंद आया कमेंट्स में जरूर बताना। और इसका जो प्राइस है वो आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, 265 है शायद। हाँ ऐसे ही है, समझ लो कि 300 अराउंड है, 300 के पास है इतना समझ लो। और फिर मैं दूसरा पार्सल अनबॉक्स करती हूँ, और कल वाले पार्सल से मैं अभी तक कंफ्यूज हो गया। आप लोग मुझे बताओ यार, मैं रखूँ या ना रखूँ, बिकॉज जो मैंने ऑर्डर किया तो वो नहीं देके मुझे दूसरा रिसीव हुआ है, बट मैं सोचूँ रख लूँ, मैं सोचूँ क्यों रखूँ यार, क्या है इसमें मेरे साथ फ्रॉड हुआ है क्या? ओह या, मुझे याद आ गया, इसमें है ग्लिच आई शैडो। गाइस मेरे पास आई शैडो तो चार पाँच है, बट मेरे पास ग्लिटर आई शैडो नहीं था, तो मैंने मंगा लिया। अब देखते हैं कैसा है। सी सी गाइस, सी देख लो देख लो। और इसके साथ जो है वो है 36H का आईलाइनर, और ये मेरे को ऐसे 200 के अराउंड पर आता है। अब चलो मैं इसको अच्छे से दिखा देती हूँ, मैं इसको खोलू कहाँ से, मैं बहुत कंफ्यूज है, इतना कंफ्यूजन तो मेरी लाइफ में नहीं है। वाओ सो क्यूट यार, इतना छोटा सा है। वाओ कलर्स बहुत अच्छे, बहुत ब्राइट है गाइस। सी, मुझे प्रोडक्ट दोनों बहुत मस्त आए, सो थैंक यू मीसो, बिकॉज मैंने जितना भी पार्सल मंगाया वो मीसो का ही है। इसको अच्छा लग रहा है, जल्दी बताओ कमेंट्स में गाइस। सो या गाइस, देख आप लोग, यहाँ पे मैंने ग्लिटर आई शेडो और आईलाइनर दोनों लगाया, और कैसा लग रहा है? और ना ही मैंने अभी अच्छे से आई शेडो लगाया, ना ही आई लाइनर, सो ये समझ सोचना कि मुझे लगाना नहीं आता। मैंने एक ही आँख पे किया है, सो देखो
और मैं नेक्स्ट व्लॉग में जो सोच रही हूँ मैं मेकअप वगैरह का, कि मैं अपने मेकअप के बारे में सब कुछ बतलाऊँ, मैं अपने पास क्या क्या मेकअप है, मैं कैसे करती हूँ सब चीज़। तो आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेकअप वगैरह व्लॉग चाहिए या नहीं। बस मैं बोलती हूँ कि कमेंट्स में ज़रूर बताना, बट आप लोग बता देंगे, सो प्लीज़ बताओ यार। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं पेंसिल बॉक्स और जो ग्लिटर शेडो आप लोग को कैसा लगा, और आप लोग एग्री होना गाइज इस बात से कि मैं काम की चीज़ें मंगाती हूँ बिना काम की चीज़ें मंगाती हूँ या गाइज, क्योंकि ग्लिटर शेडो का कोई मतलब था नहीं। माता श्री जो है मेरी, वो मुझे ऑर्डर नहीं करने देती थी, बट मुझे चाहिए था, सो मैंने ले लिया। पेंसिल बॉक्स तो मेरा मनपसंद था ही, तो मामा मना कर नहीं सकती थी। कमेंट में ज़रूर बताना और मेरी बात से एग्री करते हैं। सो गाइज मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।